जय महावीर जी की साथियों, राम राम, नमस्कार। खम्मा गणी, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ये है राजस्थान के करौली जिले में दिगंबर जैन श्री महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर। वर्ष में एक बार लगने वाला ये श्री महावीर जी का मेला चल रहा है। तो बिल्कुल महावीर जी का जो मंदिर परिसर है और यहाँ के जो सभी जैन मंदिर हैं उनको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो आइए, आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ दिगंबर जैन श्री महावीर जी और यहाँ बने हुए अनेक दर्जनों मंदिर, जिनका पहले भी अपने वीडियो बना चुके हैं। और इसमें आज अपने इस महावीर जयंती के ऊपर, जो वर्ष में एक बार 7 दिवसीय मेला भरता है, उसका आज अपने दर्शन करने वाले हैं। आइए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और इससे खूबसूरत नगरी के दर्शन करवाता हूँ। मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार और पूरा मंदिर जो है वो बहुत सुंदर है। पूरा द्वार देखिए आप, कितना अद्भुत और सुंदर बना हुआ है। आइए अंदर की ओर चलते हैं। और 18 तारीख से लेके आने वाली 24 अप्रैल तक, यानी 7 दिवसीय मेला श्री महावीर जी का यहाँ भरता है। और ये है महावीर जी परिसर का अंदर का दरबार। साथियों, ये है श्री महावीर जी का मुख्य मंदिर और यह है मुख्य मंदिर का परिसर, जिसके चारों ओर बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं। महावीर जी का मेला चल रहा है, 7 दिवसीय मेला जो है वो आज उसका 3रा दिन चल रहा है। मंदिर के बिल्कुल आगे की तरफ एक गगनचुंबी मान स्तंभ बना हुआ है। ये है श्री महावीर जी का मुख्य मंदिर, जो सफ़ेद और लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है। साथियों, यह मंदिर जो है वो करीबन 350 से 400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के पीछे की जो कहानी है, यानी कि जो इसमें भगवान महावीर जी की जो मुख्य प्रतिमा है, वो यहाँ से बिल्कुल इसके पीछे की तरफ एक टीला था जहाँ से खुदाई करके निकाली गई थी। तो आइए, पहले मैं आपको इससे महावीर जी के दरबार में दर्शन करवाता हूँ। महावीर जी का यह मुख्य मंदिर है और इस तरफ ही ये रास्ता जा रहा है पीछे की तरफ, और यहाँ से पीछे की तरफ वो स्थान है जिसे देवता का टीला कहा जाता है, जहाँ से भगवान श्री महावीर जी की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई थी। ऐसी मान्यता है कि आज से करीबन 450 वर्ष पूर्व है, यहाँ एक ग्वाला था जो अपनी गायें चराने जाता था। कहते हैं कि उस टीले के ऊपर उसकी गाय जो है वो अपना दूध जो है वो स्रावित कर देती थी। जब गांव वालों और ग्वाले को इस बात का पता चला, तो कहते हैं कि उन्होंने जब इस बात की पता चला तो कहते हैं कि उस टीले की खुदाई की गई। कहते हैं कि टीले की खुदाई से भगवान श्री महावीर जी की करीबन 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई। पद्मासन मुद्रा के अंदर बैठे हुए महावीर जी की मूंगा रंग की लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई प्रतिमा थी, जो कि इस मुख्य मंदिर परिसर में सजाई गई है, वही प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई थी। को देखते हुए मंदिर के दाईं तरफ और मंदिर के बाईं तरफ दोनों तरफ बड़े टेंट लगाए गए हैं, जहां भक्त जो है वो यहां आराम कर सकते हैं। और इस तरफ कुछ स्टेज भी बनाए गए हैं, जिनमें आने वाले समय के अंदर महावीर जी, दिगंबर जैन श्री महावीर जी के कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं। आने वाली 21 अप्रैल को महावीर जी का यहाँ दिव्य दरबार होने वाला है, और फिर अंतिम दिन यानी कि 24 अप्रैल को महावीर जी की सुशोभित भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। महावीर जी का जो मंदिर है वो पीछे की तरफ 3 शिखर के रूप में, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, यहाँ के एक सेठ बिलाला के द्वारा ये बनवाए गए थे। कहते हैं कि जो प्रतिमा महावीर जी की प्राप्त हुई थी वो भी करीबन 1000 साल पुरानी थी। ये प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है, और पूरा का पूरा महावीर जी का जो परिसर है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर के आगे ये गगनचुंबी मान स्तंभ आपको दिखाई देगा। मंदिर परिसर जो है वो चारों ओर से इस तरह की धर्मशालाओं से घिरा हुआ है, जिसे कटला परिसर कहते हैं।
और इस कटला परिसर के बीचों बीच जैन दिगंबर जैन श्री महावीर जी का मुख्य मंदिर जो है वो बना हुआ है। साथियों यह मंदिर जो है वो करीबन 450 वर्ष पुराना बताया जाता है और महावीर जी की जो प्रतिमा है कहते हैं कि वो खुदाई से निकली थी और वो करीबन 1000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। श्री महावीर जी का मुख्य मंदिर था। आने वाले 21 तारीख यानी कि कल जो है वो मुख्य मेला भरेगा और फिर 24 तारीख को महावीर जी की भव्य रथ यात्रा निकलेगी जिसका वीडियो अपने अलग से बनाएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट भी करें। साथियों अपने अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। और श्री महावीर जी का जो ये स्थान है यहाँ महावीर जी का एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मंदिर बने हुए हैं जिसमें सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो शांतिनाथ जी की है जो कि करीबन 32 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। मंदिर परिसर के बिल्कुल पीछे की तरफ है महावीर जी की 24 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और उसमें भी सभी जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं 24 उन सभी की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। ये श्री महावीर जी मंदिर का जो है मुख्य प्रवेश द्वार है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ यह प्रवेश द्वार और चारों ओर से जो ये धर्मशालाएं हैं कटला परिसर इनसे घिरा हुआ है। साथियों यहाँ श्री महावीर जी में आने के लिए सबसे उत्तम मार्ग जो है वो है रेल मार्ग। आप ट्रेन की सहायता से चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो आप यहाँ आ सकते हैं। और फिर रेल मार्ग यहाँ से 7 किलोमीटर है और फिर यहाँ से मंदिर तक रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने के लिए मंदिर के द्वारा ही बसें संचालित की गई हैं जो समय समय के ऊपर यहाँ आती रहती हैं और यहाँ से वापस जाती हैं। यह गंभीरी नदी के तट पर बना हुआ श्री महावीर जी का मुख्य मंदिर। इस मंदिर के चारों ओर रुकने के लिए अनेक धर्मशालाएं बनी हुई हैं और भोजन के लिए अच्छे और अनेक होटल भी बने हुए हैं। साथियों भोजन के लिए जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर भी सात्विक भोजन जो है वो बनता है। एक अंदर ही रेस्टोरेंट है मंदिर के पीछे की तरफ बाईं ओर जहां आप भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और चाय वगैरह का आनंद ले सकते हैं। तो ये था मुख्य मंदिर परिसर। हमने श्री महावीर जी मंदिर यानी कि यहाँ महावीर जी जैन परिसर जो है उसमें दर्जनों मंदिर बने हैं उन सभी का हमने वीडियो बनाया। तो आने वाले 24 तारीख को महावीर जी की सुशोभित भव्य रथ यात्रा निकलेगी उसका भी वीडियो हम डालेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। साथियों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री महावीर जी की। धन्यवाद।